वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सलोक दीन दर्द दुख भंजना, घट घट नाथ अनाथ। हे दीन गरीबां दी दर्द पीड़ा अते जम्मण मरण दे दुखां नू भंजना कहिए भन्नण वाले हरि वाहिगुरु आप घटां घटां विच व्यापक अते अनाथां दे नाथ स्वामी हो। शरण तुम्हारी आयो नानक के प्रभ साथ। सतगुरु जी कथन करदे हन कि हे प्रभ हरि वाहिगुरु, मैं गुरां दे साथ नाल मिल करके तुम्हारी कहिए तुहाडी शरण ओट विच आया हाँ। अष्टपदी जह मात पिता सुत मीत न भाई, जह कहिए जिथे तेरे मात मां पिता प्यो सुत पुत्र मीत मित्र ते नाही, भाई कहिए भरा ने सहायता करनी है। मन ऊहा नाम तेरा संग सहाई, हे मना ऊहा ओथे हरि दे नाम ने ही तेरे संग नाल सहाई सहायक होना है। जह महाभयान दूत जम दलै, दह केवल नाम संग तेरै चलै। जिथे परलोक दे रस्ते विच महा वड्डा भयान पैदायक दूत जम जमदूतां दा दल होवेगा, जम दे दूत दलै नाश करनगे दल देणगे। उत्थे कहिंदे केवल सिर्फ हरि वाहिगुरू दा नाम ही तेरे नाल चलेगा जो केवल मुक्ति देण वाला है। जह मुश्किल होवै अत भारी, हर को नाम खिन माहे उधारी। जिथे अंत वेले अत्यंत भारी मुश्किल तकलीफ होवेगी, भाव अंत समय औगण घेरा पाउणगे, अत्यंत औकड़ दा समा होवेगा, उत्थे हरि वाहिगुरू दा नाम एक खिन छिन विच ही उधारी कहिए उधार कर देवेगा, भाव दुखां तों बचा लवेगा। अनक पुनः चरण करद नहीं तरै, हर को नाम कोट पाप पर हरै। अनक कहिए अनेक तरां दे पापां दी निवृत्ति वास्ते पुनः चरण हुंदा प्राश्चित कर्म करदिआं वी तूं तरै मुक्त नहीं हो सकेगा। हरि वाहिगुरू दा नाम करोड़ां पापां नूं पर हरै नाश कर दिंदा है, क्योंकि घोर दुखियं अनक हत्यं जन्म दारिद्रं महाभिख्यादं मिटंत सगल सिमरंत हर नाम नानक जैसे पावक कासट पसमं करोत। गुरमुख नाम जपो मन मेरे, नानक पावो सुख कनेरे। हे मेरे मना मुखी गुरां द्वारा गुरमुख बन के नाम जपना कर। सतगुरु जी कथन करदे हन कि इसे प्रकार नाम जपने करके कनेरे घने सुखां नूं पा लवेंगा। सगल सृष्ट को राजा दुखिया, हर का नाम जपद होए सुखिया। सारी सृष्टि दुनिया दा राजा भी सिमरन तों बिना दुखी है, पर ओ भी हरि वाहिगुरू दा नाम जप के सुखिया कहिए सुखी हो जांदा है। जिवें गोपालपुरे दे कोड़ी राजे दा कोड़ नाम सिमरन करके ठीक होया सी ना, अर्थात जिन्ना सारी दुनिया नूं दुख है उन्ना राजे नूं राज संभालण दा दुख हुंदा। जारज पंचम अंग्रेजां दा बादशाह सी, जदों पहली वार जर्मन दी लड़ाई 1913 ते 14 विच लगी सी, इस नूं नींद आउण तों हट गई सी, बिजली नाल सुलाया करदे सन इस नूं। इन्ना दुख सी, जे नाम जपे तां दुख भी सुखी हो सकदा है। लाख करोरी बंधन परै, हर का नाम जपत निस्तरै। भावें लखां करोड़ां ही बंधन पै जाण, हरि वाहिगुरू दा नाम जपणे करके संसार समुंदर तों तर जाईदा है।
अनक माया रंग तिख न बुझावै, हर का नाम जपत आगावै। अनेक प्रकार दी माया दे रंग आनंद भी तृष्णा दी त्रेह नू बुझा नहीं सकदे। हरी वाहिगुरु दा नाम जपन करके ही अगावै रज आ सकदा है। जे मार्ग एहो जात अकेला, तह हर नाम संग होत सोहेला। जिथे जमां दे मार्ग रस्ते एह जीव इकला जांदा है, उथे हरी वाहिगुरु दा नाम इस जीव दे नाल सोहेला कीए सुखदाई हुंदा है। ऐसा नाम मन सदा त्याई है, नानक गुरमुख परम गत पाईऐ। इस करके हे मेरे मन, अजहे परमेश्वर वाहिगुरु जी दे पवित्र नाम नू हमेशा ही त्यौना कर। सतगुरु जी कथन करदे हन कि इउं मुखी गुरां द्वारा नाम नू जप के गुरमुखां दी संगत करके परम गति नू केवल मुक्ति ताईं पा लवेंगा। छूटत नहीं कोट लख बाहे, नाम जपत तह पार पराही। जिथे प्रतख लखां करोड़ां बाहां वाला जीव होके भी, लखां करोड़ां जोधियां भाव भरावां रूपी बाहां वाला होके भी काल तों छुट नहीं सकदा। जिथे कोट हुंदा किलियां दी ओट करके अते लखां धन खर्च के भी, लखां करोड़ां फौजां सूरमियां दियां बाहां करके भी जमां तों नहीं छुट सकदा। ते नाम जपन वाला जीव उत्थे पार पराही कहिए पार पै जांदा, भाव मुक्त हो जांदा है। अनक बिघन जह आए संघारै, हर का नाम तत्काल उधारै। अनेकां बिघना रुकावटां जिथे आके इस जीव नूं संघारै कहिए नाश कर दियां हन, उत्थे हरी वाहिगुरु दा नाम आके तत्काल जल्दी भाव शीघर ही विघना तों उधारै बचा लैंदा है। अनक जोन जन मैं मर जाम, नाम जपत पावै बिसराम। अनेकां जूनां विच पै के जीव जन्मै कहिए जमदा ते मर कहिए मरदा है, ते मर के फिर जमदा रहिंदा, मर के जाम जमां दे वस पै जांदा। जे जीव नाम जप लैण ਤਾਂ ਮਨ ਬਿਸਰਾਮ ਟਿਕਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਹਉ ਮੈਲਾ ਮਲ ਕਬ ਹੋਣਾ ਧੋਵੈ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਕੋਟ ਪਾਪ ਖੋਵੈ। ਜੀਵ ਹਉਮੈ ਕਰਕੇ ਮੈਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਧੋਂਦਾ, ਪਰ ਹਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਕਰੋੜਾਂ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਮੇਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ऐसा नाम जपो मन रंग, नानक पाईऐ साध कै संग। इस करके हे मना, अजहे नाम नू प्रेम करके जपना कर। सतगुरु पातशाह जी कथन करदे हन कि श्रेष्ठ जना दी संगत नाल मिल करके ही एह अमृत नाम पाईदा है। जिह मार्ग के गने जाहे न कोसा, हर का नाम ऊहा संग तोसा। जिथे जमा दे मार्ग रस्ते दे कोहो गिने नहीं जा सकते, अर्थात गरड़ पुराण विच 86,000 योजन मातलोक तो जम मार्ग दा रस्ता दस्या है। हर रोज़ जीव दे ताई 2,000 मील तो उपर लैके जाते हैं। ग्रंथानुसार कहिंदे हन कि पापी पुन्नी दोनों नू एक साल विच लै जाते हैं। जैसा कि गरड़ पुराण दे बचन हन, सहस 86 योजन पूरी, मृत लोक ते जमपुर दूरी। 8 हैं ठौर मग मैं भारी, घोर कष्ट पावै नर नारी। पर गुरबाणी विच लिखिया है कि जमां दे मार्ग दी कोई गिणती नहीं, हरी वाहिगुरु दा नाम ही उत्थे तेरे संग नाल तोसा भाव खर्च भोजन रूप खजाना होवेगा। जिवें एक राजा जो हरी वाहिगुरु तों बेमुख सी, विषयी वकारी सी,
पर उसकी राणी बड़ी सूझवान ते सतसंगत करन वाली सी। हर रोज़ अमृत वेले इशनान करके परमेश्वर दे सिमरन भजन विच जुड़ बैंदी सी। उसका निजम सी कि सिमरन कीते तो बगैर कुछ भी खाना पीना नहीं। वो अपने पति नूं मनुखा जन्म बारे कहिंदी कि वार वार मनुखा शरीर नहीं मिलना, अमृत वेले इशनान करके सिमरन करके लाहा प्राप्त करना चाहिदा। पर राजा राणी दी किसे गल नूं भी नहीं सी मानदा। सवेरे उठ के अपने कम्मां विच लग जांदा। अखीर राणी ने गुस्से विच राजे नूं मूर्ख कह दिता कि सिमरन नहीं करदे। उस वेले राजे ने विचारिया कि मैनू राणी ने मूर्ख कहा है, इस विच जरूर कोई कारण है। समझ नहीं आई कि मेरे विच की मूर्खता है। उस वेले राजे ने अपने राज विच टंडोरा फिरा के सारे मूर्खां नूं बुलाया। उन्हां विचों जिहड़ा सब तो वध मूर्ख सी ना, उस दे हत्थ विच राजे ने बहुत कीमती सोने की सोटी फड़ा के कहा, जिहड़ा तेरे नालों भी कोई वड्डा मूर्ख होवे उसनू यह सोटी दे देनी। इस तरह कह के सब नू तोर दिता। थोड़े समय बाद राजा बहुत बीमार हो गया ते वजीर नू कह के उस मूर्ख नू पास बुलाया। मूर्ख ने आउंदिया सार ही कहा कि राजन की सबब है। तो राजा कहन लगा कि मैं जा रहा, तेनू कोई वड्डा मूर्ख लब्भा जां नहीं? उस मूर्ख ने पूछया, राजन आप कित्थे जा रहे हो? राजे ने कहा मैं परलोक दी यात्रा करन जा रहा। मूर्ख ने फिर पूछया, आप यात्रा करके फिर कदों आवोगे? राजे ने कहा मैं फिर वापस नहीं आवांगा। मूर्ख ने पूछया, हे राजन आप जी ने किन्ने को दूर जाना है? राजे ने कहा उस जमा दे रस्ते दे कोहां दी कोई गिणती मिणती नहीं। मूर्ख ने हैरान होकर पूछया, इन्नी दूर आप जी ने जाना है, आप दे नाल राणियां राजकुमार फौजां वजीर जां कोर कोई होर संबंधी जाएगा? राजे ने कहा इन्हां सारियां विच्चों कोई भी मेरे नाल नहीं जाएगा, मैं कल्ला ही जावांगा। मूर्ख ने कहा खजाने विचों कुछ नकदी वगैरह तो लै जाओगे जां रस्ते विच खाण पीण लई कुछ तोसा वगैरह लै जाओगे? राजन कहन लगा मैं कुछ भी नाल नहीं ले जा सकता, खाली हथ आया सी ते खाली हथी जाना है। यह गल सुन के मूर्ख ने कहा, हे राजन जेकर इन्ने खजाने नूं पा के अपने नाल रस्ते नाल कुछ भी नहीं ले जा सकता अते सहायता लई किसे संबंधी जां सिपाहियां नूं नहीं ले जा सकदे, तां सारिआं मूर्खां चों वड्डे मूर्ख आप ही हो, आप महामूर्ख हो जो इतनी समझ रखदिआं होइआं भी ना प्रभु दा सिमरन ना दान पुन अते ना ही कोई नेक कमाई करके दुनिया विच जस खटिआ है। इस लई तुसीं आप ही इह अपनी सोटी संभाल लो। तुसीं कहा सी कि जे तुहाडे तों वड्डा कोई मूर्ख मिले उस नूं फड़ा दिओ, मैनूं तुहाडे नालों वड्डा कोई मूर्ख नहीं मिलिआ, सो तुसीं सब तों वड्डे मूर्ख हो। मूर्ख राजे नूं सोटी संभाल के चला गया। बाद विच राजा अपनी राणी दे बचना नूं याद करके मन विच विचारदा है, जे मैं राणी दे आखे लग के दान पुन भजन सिमरन कर लैंदा तां उसने मेरे नाल जाके मेरी सहायता करनी सी, पर मैं मूर्ख ने कुछ भी ना संभालिया कुछ भी ना कीता, इसलिए परलोक दे लम्मे रस्ते विच मेरी किसी ने सहायता नहीं करनी। जे पैड़ै महा अंध गुबारा, हर का नाम संग उजियारा। जिस पेंडे रस्ते विच बड़ा अंध गुबारा घुप हनेरा है, जिवें कृष्ण भगवान जदों अपने गुरु संदीपन दे पुत्रां नूं लैण वास्ते गए, उस वक्त जम रस्ते विच इतना हनेरा सी। रथवाही कहन लगा कि भगवान जी अगे बड़ा हनेरा है, तां कृष्ण भगवान कहन लगे कि सुदर्शन चक्कर दी लो नाल चलदे हां, इन्ना हनेरा है जे 12 सूरज भी चढ़ जाण तां काले तवे वर्गे हो जाण। सूरमे सूरज मंडल नूं वेद के
चानण दे विचों दी देवपुरी पहुँचते हैं ते पापी हनेरे विच खिचे धूए जाते हैं। उस रस्ते विच हरि वाहिगुरु का नाम ही जीव दे नाल उजियारा प्रकाश करन वाला है। जह पंथ तेरा को न चयानू, हर का नाम तह नाल पछानू। हे जीव जिथे जमा दे पंथ रस्ते दे, तेरा कोई भी सियानू मिलापी नहीं है। उथे हरि वाहिगुरु का नाम तेरे नाल तेरा साथ पछाणू जाणू होवेगा। जह महा भयान तपत बहु काम, तह हर के नाम की तुम ऊपर शाम। जिथे महा भारी भयान भैदायक काम धुप दी बहुत तपश पैंदी है, उथे तेरे उते हरि परमेश्वर दे नाम दी छां होवेगी, छतरी होवेगी। जहा त्रिखा मन तुझ आकरखै, तह नानक हर हर अमृत बरखै। जिथे रस्ते विच बड़ी प्यास लगेगी अते जम पुन्ना दे बदले पानी देणगे, इउं तेरा मन हिरदा आकरखै खिचिया जावेगा। सतगुरु साहिब जी कथन करदे हन कि जे नाम जपिया होवेगा ना, उथे सब नूं हरे भरे करन वाले हरि परमेश्वर दे नाम अमृत दी वर्खा तेरे उत्ते वरेगी, जो तेनू अमर कर देवेगी अते सारियां त्रेहां मिट देवेगी। इउं सतगुरु साहिब जी ओह हालत विखा रहे हन जो साडियां चम दियां अखां वेख नहीं सकदियां। भगत जना की बरतन नाम, संत जना कै मन बिसराम। भगत जना दी परमेश्वर दा नाम ही बर्तन हुंदा, वर्तने योग समगरी है। संत जना महात्मा जना दी मन अंतश करन विच नाम दा ही विश्राम निवास हुंदा। हर का नाम दास की ओट, हर कै नाम उदरे जन कोट। हरि परमेश्वर दा नाम ही लोक परलोक विच सेवकां दी ओट टेक आसरा रूप है। हरि वाहिगुरु दे नाम करके करोड़ां जन पुरख काम आदकां तों उदरे बच गए हन। हर जस करत संत दिन रात, हर हर औखद साध कमात। हरि वाहिगुरु दा जस कीर्तन साधु दिन रात करदे हन। ਉਹ ਸੰਤ ਹੈ ਜੋ ਰਾਤ ਦਿਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਸ ਕਰਦਾ, ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵਿੱਦਿਆ ਰੂਪੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਰੂਪ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਨੂੰ ਹਰੇ ਭਰੇ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਹਰਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਸਭ ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦਵਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਧ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਜਨ ਕਮਾਤ ਕਹੀਏ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਜਨ ਕੈ ਹਰ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਜਨ ਕੀਨੋ ਦਾਨ। ਹਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਜਨ ਪੁਰਖਾਂ ਭਾਵ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਨੇ ਹਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਧਾਨ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਮਝਿਆ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਜੋ ਪਾਪਾਂ ਪੁੰਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਆਪਕ ਸਰੂਪ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਦਾਨ ਹੀ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਨ ਤਨ ਰੰਗ ਰਤੇ ਰੰਗ ਏਕੈ, ਨਾਨਕ ਜਨ ਕੈ ਬਿਰਤ ਬਵੇਕੈ। ਜੋ ਸੰਤ ਜਨ ਹਿਰਦੇ ਤੇ ਤਨ ਸਰੀਰ ਦੇ ਰੰਗ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਹਰਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਰੰਗ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਤਦਾਕਾਰ ਹੋਏ ਹਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਜਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਬਵੇਕੈ ਕਹੀਏ ਬਵੇਕ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਬਵੇਕੈ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਬਿਬ ਹੁੰਦਾ ਦੋ, ਏਕੈ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇੱਕ, ਦੋ ਤੋਂ ਇੱਕ। ਜੀਵ ਦੀ ਜੀਵ ਈਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਹਰ ਵਕਤ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਦੋ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਦਾ ਬਵੇਕੈ ਵਿਰਾਗ ਹੀ ਬਿਰਤ ਕਹੀਏ ਉਪਜੀਵਕਾ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਜਨਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਬਵੇਕੈ ਕਹੀਏ ਗਿਆਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਬਵੇਕੈ ਬਿਰਤ ਬੇਨਾਮ ਰਤ ਰਤੀ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਭਾਵ ਉਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਨ ਕੋ ਮੁਕਤ ਜੁਗਤ, ਹਰ ਕੈ ਨਾਮ ਜਨ ਕੋ ਤ੍ਰਿਪਤ ਭੁਗਤ।
हरी वाहिगुरू दा नाम ही जन पुरखां नूं मुक्ति दी जुगती देण वाला है, क्योंकि कल मैं मुक्त नाम ते पावत गुर जह भेद बतावै। हरी वाहिगुरू दे नाम करके ही जन पुरखां नूं आत्म तृप्ति रज देण वाला भुगत भोजन ज्ञान रूपी प्राप्त हुंदा। पूरन तृप्त करन वाला ज्ञान रूप भोजन भी नाम है। संत जना ने एहो भोजन खादा है ता ही तृप्त रहिंदे हन। हर का नाम जन का रूप रंग, हर नाम जपत कब परै न भंग। हरी दा नाम ही दासां दा सुंदर रूप ते रंग प्रेम दा आनंद चाढ़न वाला है। हरी वाहिगुरु दा नाम जपने करके कदे भी भंग विघन नहीं पैंदा, क्योंकि विघन विनाशन सब दुख नासन सतगुर नाम दृढ़ाया। खोए पाप भये सब पावन, जन नानक सुख घर आया। हर का नाम जन की वडियाई, हर कै नाम जन सोभा पाई। हरी वाहिगुरु दा नाम ही दासां दी वडियाई शोभा है। जो दुनिया विच शोभा हुंदी ओ नाम करके ही समझदे हन। हरी वाहिगुरु दे नाम करके ही जन दासां ने लोक परलोक विच सोभा वडियाई पौना कीती है। हर का नाम जन कौ भोग जोग, हर नाम जपत कछ नाहे बेयोग। हरी वाहिगुरु दा नाम ही सेवकां नूं भोग पदार्थ ते जोग देण वाला है। हरी वाहिगुरु दा नाम ही महात्मा जना नूं भोग अंतरात्मे सुख दी प्रतीति ते जोग चित्त दीआं बिरतीआं दा निरोधा करना इत्यादि देण वाला है। जन राता हर नाम की सेवा, नानक पूजै हर हर देवा। गुरमुख जना दा मन हर वक्त ही हरी वाहिगुरु दे नाम दी सेवा टहल विच रंगिया रहिंदा। सतगुरु जी कथन करदे हन कि ओह हर हर देवा परमेश्वर दा ही पूजन करदे हन। साडे ओह पूजनीक हन जो नाम नूं पूजदे हन। ओही सारिआं दे देवा कीए राजा रूप हन, देवा कीए प्रकाश रूप हन। हर हर जन कै माल खजीना, हर धन जन कौ आप प्रभ दीना। हरी वाहिगुरू दा नाम ही दासां दे कोल हाथी घोड़े रूप माल है। हरी वाहिगुरू दा नाम ही रोकड़ी आदि खजीना खजाना है। हरी वाहिगुरू ने आप ही प्रभ कहीए परमेश्वर दा नाम धन भगत जना नूं दीना कहीए दिता होया। हर हर जन कै ओट सताणी, हर प्रताप जन अवर न जाणी। सब नूं हरे भरे करन वाले परमेश्वर दा नाम ही दासां दे कोल सताणी बल वाली ओट टेक है। हरी वाहिगुरू दे प्रताप तेज प्रभाव करके गुरमुख जना ने होर किसी नूं नहीं जानी जाणिया। ओत पोत जन हर रस राते, सुन समाद नाम रस माते। गुरमुख जन हरी वाहिगुरु दे प्रेम रस विच ही ओत पोत ताने पेटे वांग रंगे भाव तदा कर रहिंदे। हरी वाहिगुरु भगतां विच परोता होया है ते भगत हरी वाहिगुरू विच ताने पेटे वत परोए हुए आ। गुरमुख जना दी नाम रस विच माते मस्त रहन रूप अफुर समाधि लगी रहिंदी है। आठ पहर जन हर हर जपै, हर का भगत प्रगट नहीं छपै। भगत जन अठे पहर ही हरी वाहिगुरू हरी चेतन स्वरूप दे नाम नूं जपदा है। इस करके हरी वाहिगुरू दा भगत संसार विच जाहर हो जांदा है। जो लुकिया छिपिया नहीं रहिंदा। भगत जन ना जन्म धारदा है अते ना ही मरदा, ना ही छपै छपदा है ना मरदा है। हर की भगत मुक्त बहु करे, नानक जन संग केते तरे।
ਹਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨੇ ਬਹੁਤੇ ਪੁਰਖ ਮੁਕਤ ਸੁਤੰਤਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਜੀਵ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਉਧਰ ਗਏ ਤਰ ਗਏ। ਪਾਰ ਜਾਤ ਇਹੋ ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ, ਕਾਮ ਧੇਨ ਹਰ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਮ। ਇਹ ਹਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਪਾਰ ਜਾਤ ਕਲਪ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਲ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਹਰ ਕੀ ਸੇਵਾ, ਪਾਰ ਜਾਤ ਜਪ ਅਲੱਖ ਅਭੇਵਾ। ਪਾਰ ਜਾਤ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ। ਪੁਰਾਣਕ ਕਥਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਰਿੜਕਣ ਸਮੇਂ ਇਹ ਦਰਖਤ ਨਿਕਲਿਆ ਅਤੇ ਇੰਦਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੰਦਰ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਸ਼ਚੀ ਇਸ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਜਦ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਇੰਦਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਸਵਰਗ ਲੋਕ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਣੀ ਸਤਿਆ ਭਾਮਾ ਨੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਜਾਤ ਦੁਆਰਕਾ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇੰਦਰ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਘੋਰ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ। ਅੰਤ ਨੂੰ ਇੰਦਰ ਹਾਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਪਾਰ ਜਾਤ ਸਤਿਆ ਭਾਮਾ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਆਪ ਹੀ ਇੰਦਰ ਲੋਕ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਹਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਮ ਗਾਇਣ ਵਾਲਾ ਅਸਥਾਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੀ ਕਾਮ ਧੇਨ ਹੈ। ਜੋ ਦੇਹ ਨੂੰ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਗਾਮ ਨਗਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹੋ ਹੀ ਕਾਮ ਧੇਨ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪਾਵਨ ਵਾਕ ਹੈ, ਇੱਛਾ ਪੂਰਕ ਸਰਬ ਸੁੱਖ ਦਾਤਾ ਹਰ, ਜਾ ਕੇ ਵਸ ਹੈ ਕਾਮ ਧੇਨ। ਕਾਮ ਧੇਨ ਪੁਰਾਣਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਰਗ ਦੀ ਇੱਕ ਗਊ, ਜੋ ਸਮੁੰਦਰ ਰਿੜਕਣ ਸਮੇਂ ਨਿਕਲੀ ਸੀ, ਜੋ ਮਨ ਚਿਤਵੇ ਪਦਾਰਥ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਕਾਮ ਧੇਨ ਸਦਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਪਾਰਜਤ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਇੰਦਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜੋ ਸੁਰਗ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਕਾਮ ਧੇਨ ਗਊ ਤੋਂ ਜੋ ਮੰਗੋ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨੋ ਕਾਮਨਾ ਪੂਰਕ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਫਤਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਨਾਮ ਦੀ ਕਥਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਨੋ ਕਾਮਨਾ ਅਤੇ ਮਨੋ ਵਾਸਨਾ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਮੁਕਤੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੇ ਉਤਮ ਹਰ ਕੀ ਕਥਾ, ਨਾਮ ਸੁਨਤ ਦਰਦ ਦੁੱਖ ਲੱਥਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਉਤਮ ਹਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰਨੀ, ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨੀ, ਕਥਾ ਸੁਣਨੀ ਹੀ ਉੱਤਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਰਗੁਣ ਕਥਾ ਕਥਾ ਹੈ ਹਰ ਕੀ, ਭਜ ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਸੰਗਤ ਜਨ ਕੀ, ਤਰ ਭੌਜਲ ਅਕਥ ਕਥਾ ਸੁਣ ਹਰ ਕੀ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦੀ ਦਰਦ ਪੀੜਾ ਅਤੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦੁੱਖ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਵ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਉੱਤਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਫਿਰ ਪਾਵਨ ਵਾਕ ਹੈ, ਸੁਣ ਹਰ ਕਥਾ ਉਤਾਰੀ ਮੈਲ, ਮਹਾਂ ਪੁਨੀਤ ਭਏ ਸੁਖ ਸੈਲ। ਨਾਮ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਸੰਤ ਰਿਧ ਵਸੈ, ਸੰਤ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੁਰਤ ਸਭ ਨਸੈ। ਹਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵਡਿਆਈ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਰਿਧ ਹੁੰਦਾ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀ ਹੈ। ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਤੇਜ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਦੁਰਤ ਪਾਪ ਨਸ ਭਾਵ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੰਤ ਕਾ ਸੰਗ ਵਡਭਾਗੀ ਪਾਈਐ, ਸੰਤ ਕੀ ਸੇਵਾ ਨਾਮ ਧਿਆਈਐ। ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਸਾਥ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਕਰਕੇ ਪਾਈਦਾ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਟਹਿਲ ਕਰਕੇ ਹਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣਾ ਕਰੀਦਾ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਰਾਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੰਘ ਬੇਨਤੀ ਕਰਿਆ ਕਰਨ, ਪਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਤੁਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤ ਕੀ ਸੇਵਾ ਨਾਮ ਧਿਆਈ ਹੈ। ਭਾਵ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਇਹੋ ਹੀ ਸੇਵਾ ਟਹਿਲ ਹੈ, ਜੋ ਨਾਮ ਧਿਆ ਲੈਣਾ, ਜਪ ਲੈਣਾ, ਪਾਠ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਨਾਮ ਤੁਲ ਕਛ ਅਵਰ ਨ ਹੋਏ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਪਾਵੈ ਜਨ ਕੋਇ। ਹਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੁਲ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ
कि गुरमुख बन के गुरां द्वारा कोई विरला जन पुरख ही नाम पा सकता है। सो अज असी दूसरी अष्टपदी तक ही आप जी नाल विचार दी गुरबाणी दी सांझ पा सके हाँ। सतगुरु कृपा करे कल नू कल वाली विचार दे विच असी तीसरी अष्टपदी दी विचार दी सांझ पावांगे। जो चल रही लड़ीवार विचार दूसरी अष्टपदी विच हुण तक इथों तक पूरे अखर 1028 पैरां वाले रारे 12 ते कुल अखर 1040 हन। वाहे गुरु 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 जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।